हरे कृष्ण अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भारत स्वामी इस स्वामी आरोप के अवसर प्रस्तापित जो प्रातःकालीन श्रीमद भागवत सत्र में आए आप सब भक्तों का धर्म प्रेमियों का कथा प्रेमियों का सत्संग प्रेमियों का अतिथियों का आजीवन सदस्यों का श्रोताओं का सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। तो आज के इस भागवत के इस श्लोक में श्रीमद् भागवत हमें इस कलयुग के जीव को एक शिक्षा प्रदान करता है। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में भगवान कृष्ण के अवतारों का वर्णन आता है और उन्हीं अवतारों में के श्रृंखला में शुद्ध गोस्वामी बात कहते हैं कृष्ण स्वधाम उपागम धर्म ज्ञान सह आदि कलो नष्ट दृशाएश पुराण अर्को आदन उदित। द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण स्वधाम अपने धाम गमन किए चले गए। भगवान के जाते जाते जितने भी धर्म और ज्ञान जितने भी थे वो भी भगवान के साथ चले गए। अब कलयुग में केवल अंधेरा ही अंधेरा रह गया, अज्ञान का अंधेरा रह गया और संज्ञान के अंधेरा में किसी को पता नहीं मुझे करना क्या है, मैं क्यों हूँ, मैं कहाँ, मुझे जाना कहाँ है। सब जी रहे हैं जी रहे हैं जी रहे हैं, जीने के लिए सब जी रहे हैं पर क्यों जी रहे हैं वो पता नहीं है। खाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए कहा है किसी को कुछ पता नहीं। बताइए सोचो हम जी किस लिए रहे हैं, खाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए खा रहे हैं, किसी को पता नहीं है। सोच के देखिए इतने सारे लोग विराट से चर्च गेट चर्च गेट से विराट चल रहे हैं किस लिए चल रहे हैं, खाने के लिए। पर ये शास्त्र क्या कहता है किसी को पता नहीं, हम जीने के लिए खा रहे हैं कि खाने के लिए जी रहे हैं। कलो नष्ट दृशयेश किसी को पता नहीं क्यों हम जी रहे हैं। मान लो कोई गाड़ी लेके घूम रहा है, अरे भाई क्यों घूम रहे हो, नहीं नहीं पेट्रोल है इसके अंदर उसको खाली कर लो। अरे गाड़ी का जो है यहाँ से चर्च गेट जाने से जाए, नहीं नहीं इसमें बहुत पेट्रोल है इसमें घुमाना है इसको। अरे खा क्यों रहे हैं, अरे स्वादिष्ट है तो क्यों खा रहे हैं किसी को पता है। हम सांस ले रहे हैं क्यों ले रहे हैं कुछ पता नहीं। तो कलो नष्ट दृश्य एश तब आज आधुना यानी कि अभी अभी ये श्रीमद् भागवत नाम का पुराण जो है अर्क सूर्य के समान ये रोशनी दे रही है और ये भागवत के माध्यम से हमें जीवन का लक्ष्य बता रहा है क्या है जीवन का। जीवन का लक्ष्य क्या है ये बता। और आज के श्लोक से ये भागवत प्रकाश डाल रहा है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, दैत्य कौन है, असुर कौन है,
इस भौतिक जगत का सबसे आरंभ में आए हुए दो दैत्यों का वर्णन हो रहा है। तवादि दैत्य सहसा कौन है? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, ये दो प्रकट हो गए। तब आदि ये इन्हें असुर कहा गया है। द्रौपदी जी तात्पर्य में लिखते हैं असुर और दैत्य दो प्रकार के लोग इस जगत में पाए जाते हैं। तो प्रश्न होता है संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक है असुर, एक को असुर कहलाते हैं तो दूसरे को सुर कहा जाता है, देवता कहा जाता है। तो प्रश्न होता है सुर कौन और असुर कौन? बड़ा सरल है, जो भगवान के सुर से सुर मिलाए वो सुर, और जो भगवान के सुर से सुर ना मिलाए वो असुर। जो भगवान के बातों को माने वो सुर, और जो भगवान के बात ना माने वो असुर। विष्णु भक्त भवे दैत तद विपरीत असुर है। विष्णु के जो भक्त हैं, जो भगवान की बात मानते हैं वो दैत्य है, यानी कि भगवान के भक्त हैं। विष्णु भक्त भवे देवता, समझ रहे? विष्णु भक्त भवे देवता तद विपरीत असुर है। जो विष्णु के भक्त हैं वो देवता हैं, जो विष्णु के बात मानते हैं वो देवता है, और जो विष्णु के बात नहीं मानते वो असुर। जो भगवान के सुर से सुर मिलाए, जो भगवान के बात माने तो सही है, भगवान हमेशा सबके हित करते हैं, भगवान के हित चाहते हैं, क्योंकि भगवान का स्वभाव कैसा है, वो सबका हित चाहते हैं। सूर्य के समान, कृष्ण सूर्य समान, सूर्य हमेशा प्रकाश देता है, और सूर्य से पूछो अंधकार क्या है, वो बोले अंधकार नाम का चिन्ह होता ही नहीं। इसी प्रकार भगवान दिव्य है, दिव्य का अर्थ होता है जो हमेशा स्वभाव से सबका हित चाहता है। भगवान का जन्म दिव्य है, यानी कि भगवान का जन्म हो के सबको लाभ मिलेगा, चाहे वो सुर हो या असुर हो। भगवान का कर्म दिव्य है, भगवान गोवर्धन उठा इसमें कंस का भी लाभ, सबको लाभ है, उस प्रकार का भगवान है। भगवान सबका भला चाहते हैं, तो ये भगवान है। तो भगवान जो भी कहते हैं वो सबके हित के लिए कहते हैं। एक बार एक व्यक्ति बहुत बीमार हो गया, वो वैद्य के पास गया। वैद्य डॉक्टर होता है, जानते हैं डॉक्टर वैद्य। तो वैद्य के पास गया, वैद्य ने उनको दो पूड़ी दिया, बोला एक में जो है मलम दिया था, बोले ये मलम आप आंखों में लगाना और दूसरा जो है चूर्ण था, वो चूर्ण आप लो गर्म पानी के साथ पियो, आपका तकलीफ दूर हो जाएगा। तो वो सज्जन कलयुग का था और बहुत ही मंद बुद्धि वाला था, प्राय नाम पायुष था, कलाश में मंद सुमंद मंद मंद। वो जाते जाते भूल गया क्या करना है, पूड़ी दो था, और जैसे वैद्य ने बोला वैसे पूड़ी दोनों खोला और चूर्ण को गर्म पानी से मिला दिया, आंखों में लगा दिया, और जो मलम है उसको मुंह में डालकर पीने लगा और हल्ला मचाने लगा, शोर मचाने लगा, बोला हाय रे हाय कलयुग आ गया, अब दवाई में भी जहर मिल गया उसका हाल बेहाल हो गया। अब बताइए दवाई गलत था, वैद्य गलत था, या वो व्यक्ति गलत था? वो व्यक्ति गलत था, वो जैसे वैद्य ने बताया वैसा नहीं किया। इसी तरह से संसार में भगवान वो वैद्य है जो दो दवाई देते हैं, बोलते कहते हैं कि मन मनाओ मत भक्तो, मन मुझे दो, और मन से मेरा सेवा करो और बुद्धि से संसार का सेवा करो।
पर हम लोग ठीक उल्टा करते हैं, हम मन से संसार का सेवा करते हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे पति है, ये मेरा पत्नी है और ये मेरा घर है, मेरा छोटा सा घर, प्यारा सा घर, और बुद्धि से आज टाइम है चलो मंदिर जाते हैं, तो ठीक उल्टा। फिर बाद में कहते हैं कि हम भक्ति में हैं फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। वो ऐसे ही होगा क्योंकि वैद्य ने जो कहा वैसा नहीं किया, भगवान ने जो कहा अगर हम उसे मानेंगे तो हमारा हित है, और भगवान ने कहा वैसा हम नहीं करेंगे तो हमारा अहित है। चाहे कोई भी हो, चाहे वो राधा रानी ही क्यों ना हो। एक बार कृष्ण ने राधा रानी से कहा, देखो मेरे बात ध्यान से सुनना, ये नारद मुनि बार बार आ रहा है और आप नारद मुनि की बहुत सेवा कर रहे हो, ध्यान से सुनना, ये नारद मुनि का बातें ज़्यादा सुनो मत, मेरी बात मानो नहीं तो बहुत पछताओगी। राधा रानी ने कहा, नारद मुनि इतने उन्नत कोटि के संत है, महात्मा है, ये महाजनों में एक महाजन है, और ऐसे महात्माओं का दर्शन बड़ा दुर्लभ होता है, इनके बातों को ना मानना ये ठीक नहीं है, इनके संत बड़ा दुर्लभता से प्राप्त होता है, तो इन्हें सेवा की, भगवान के बातों को नहीं मानना। बहुत सेवा किया। राधा रानी बार बार कहते थे कि नारद मुनि से कहते थे कि नारद मुनि भी राधा रानी के बहुत उपदेश दिया करता था। लास्ट में राधा रानी से नारद मुनि ने कहा, आप हमेशा कहते हो कुछ मुझे उपदेश दो। राधा रानी ने कहा, तो नारद मुनि ने कहा, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ गुरु दक्षिणा के रूप में। आप मुझे गुरु मानते हो, सेवा की हो, बोलते कुछ मांगो आज, तो मैं आपसे मांग करती हूँ कि आज जो है बहुत अच्छा दिन है, आज का दिन झूला करना बहुत अच्छा है, आप रोज झूला करते हो ठीक है, पर आज आप जब झूला करने जाओगे तो बहुत अच्छी तरह से श्रृंगार करके फिर आप झूला में जाइए, और तब जाके जो है आप तब राधा रानी सुन लेती है, कर तो ठीक है। और यहाँ पे नारद मुनि तुरंत कृष्ण के साथ आते हैं, और कृष्ण यहाँ पे राधा रानी के लिए इंतजार कर रहे हैं, झूलन यात्रा का समय हो गया, झूला झूलना था, और फिर राधा रानी को आने में बहुत देरी हो रही थी, और राधा रानी नारद मुनि की बात मानकर श्रृंगार कर रही थी, और यहाँ पर कृष्ण नारद मुनि वहाँ पहुँच के बोले कि आप किस बात के यहाँ पे इंतजार करो, तो कहा कि राधा रानी आ रही है, बोले कि आज उनको आने में बहुत समय लगेगा। तो नारद मुनि ने कृष्ण से कहा, आज मेरा बहुत इच्छा हो रहा है कि आप जो है ललिता सखी के साथ क्या करो, झूला करो। तो कृष्ण बोला ठीक है, राधा रानी को आने में समय लग रहा है, तो ललिता सखी को मनाया। ललिता सखी मान नहीं रही थी, फिर भी बहुत मनाया, तो ललिता सखी बोली ठीक है मैं आपके साथ जुलन मिला कर, और यहाँ पे वो तुरंत पहुँच गए राधा रानी के पास, बोले जल्दी जाओ जल्दी, अब टाइम हो रहा है। फिर राधा रानी जब उस क्षेत्र में आई तो तब बोले कि आज आपका भी जुलन यात्रा में आने की कोई आवश्यकता नहीं, नारद मुनि से क्यों तो श्रृंगार करके आई, जैसे आपने कहा अब कृष्ण तो ललिता सखी के साथ जुलन कर रहे। तो राधा रानी बहुत रुट गई, बहुत रोने लगी, और बहुत जो है गुस्से में आ गई, मान में आ गई। कृष्ण को पता नहीं राधा रानी अब तक आई क्यों नहीं, और नारद मुनि वहाँ से गए, हरे कृष्णा हरे राम। और ललिता सखी को पता लग गया कि राधा रानी बहुत रुट गई, तो उठा रहा उनको झूला से, बोला जाओ। अब कृष्ण ढूंढ रहे हैं राधा रानी का, फिर देखा कि एक जगह पर राधा रानी बहुत रुटी थी, बोला क्या बात है क्यों आप, मैं तो बहुत इंतजार कर रहा था। फिर बोला जाओ और सखियों के साथ झूलन करो, बोला नहीं, मैं आपका बात सुनना नहीं चाहता, मैं बात तो सुनो। फिर आखिर में बहुत 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 मनाने के बाद बोला मेरे बात तो सुनो। तब राधा रानी सुनने लगी, नारद मुनि ने कहा कि आपको श्रृंगार करके आने में बहुत देरी होगी, तो ललिता सखी के साथ, पर आप क्यों देरी किए। तब राधा रानी ने बोला देखो वो मुझे
बहुत मैंने उनका सेवा किया, उन्होंने भी बहुत उपदेश दिया, तो मैंने कहा गुरु दक्षिणा में कुछ मांगे, तो उन्होंने कहा आप देरी में आओ। तब कृष्ण ने बोला, मैंने कहा ना मेरे बात को मानो मानो मानो, नारद मुनि से दूर रहो दूर रहो दूर रहो, आपने मेरे बात नहीं माना तो देखो आपको पछताने। तो भगवान कृष्ण के जो बात नहीं मानते वो चाहे राधा रानी ही क्यों ना हो, उनको भी पछताना होगा तो हमारी। तो भगवद गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो, पर हम मन जो है संसार को देते हैं और बुद्धि भगवान में लगाते हैं, संसार में मन लगाते हैं और बुद्धि भगवान में लगाते हैं। तो लोग जो है संसार में मन लगाते हैं, फिर आते हैं हमारे पास बोलते हैं स्वामी जी प्रभु जी गुरु जी, फिर हम बोलते हैं बोलो जी, फिर वो रोते हैं और बोलते हैं देखो मेरा दिल टूट गया। तो बोला क्यों टूट गया, मैंने जिसको दिल दिया वो दिल वापस कर दिया। तो हमने बोला उसको आप भगवद्गीता को ठीक से नहीं पढ़े, भगवान ने ठीक भगवद्गीता में क्या मन मुझे दो, और मन अगर हम भगवान को नहीं देंगे और संसार को देंगे किसी और को देंगे तो मन टूटेगा ही टूटेगा। तो लोग कॉलेजों में जाते हैं शादी करते हैं, फिर बोलते हैं कि वो मैंने उसको मन दिया और वो मन मेरा अब टूट गया रूठ गया फूट गया, और अलग अलग प्रकार के गाना गाते शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता। अरे मूर्ख कहीं के, भगवान ने पहले ही कहा मन किसको दो। तो यहाँ पर असुर कौन है जो भगवान को मन नहीं देते हैं वो असुर, और जो भगवान को अपना मन देते हैं वो सुर। तो ताव दय तो सहसा, ये दो असुर जो हैं वो बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए, पर ये बड़े तो हो गए एकदम अचानक, और इतना बड़े हुए मानो कि वो आकाश को स्पर्श करने लगे और उनका शरीर फौलादी शरीर हो गया, एकदम फौलादी शरीर। ये भगवान के पार्षद हैं इसलिए इनका शरीर भी फौलादी हो गया था। बल ज्ञान, जैसे भगवान के अंदर छह ऐश्वर्य है इसी प्रकार से छह ऐश्वर्य लगभग इनके अंदर भी पाया गया था, पर हमें कभी बोलना नहीं चाहिए कि छह ऐश्वर्य के स्रोत जो है भगवान है, छह ऐश्वर्य के स्रोत। एक बार प्रभुपाद जी अमेरिका में भक्तों को हिप्पियों को भक्त बना दिया था, और ये हिप्पी ऐसे हैं कि उनको कुछ पता नहीं कि भगवान कौन है, उनको एक ही चीज़ पता है कि प्रभुपाद सर, प्रभुपाद जी ने बताया ये करने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने एक उनके शिष्या से कहा कि आप कृष्ण का एक सुंदर तस्वीर बनाओ, ये बनाओ चित्र बनाओ, कृष्ण अपने बाएं हाथ के छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को धारण किया है जब वो 6 साल के थे, 7 साल के छोटा बालक, उन्होंने क्या किया गोवर्धन पर्वत को धारण। तो वो 2-3 दिन के बाद पूरा अपना जो भी है कला से पेंटिंग किया और फोटो लेकर आया, चित्र लेकर आया। तो प्रभुपाद जी बहुत हंसने लगे, बोला ये क्या, बोला कृष्ण गोवर्धन उठा रहे। तो उसमें उन्होंने क्या बताया, कृष्ण छोटे से लड़के हैं और उनका हाथ जो है बायां हाथ, वो बायां हाथ में इतना बड़ा मसल्स है, क्या बोलते हैं ऐसा जैसे पहलवान ट्रुक करके ऐसा, और वो पर्वत को ऐसा उठा रहा। तो प्रभुपाद ने बोला कृष्ण भगवान है और उनके पास अपार बल है, भले वो छोटा सा बालक क्यों ना हो, वो गोवर्धन को ऐसा उठाया जैसे एक छोटा सा एक हाथी जो है बारिश के मौसम में, जैसे आजकल बारिश का मौसम होता है उसमें एक छतरी जैसा एक एक पेड़ निकलता है उसको इंग्लिश में मशरूम कहते हैं, वैसे पट करके उसको हाथी को उठाने में कोई शक्ति नहीं लगता है, इसी प्रकार से भगवान होते हैं, भगवान को मेहनत करना नहीं पड़ता। तो उन्होंने ऐसा बनाया था मानो कि उन्होंने बहुत बॉडी बिल्डिंग किया कृष्ण ने, बादाम खा के आया फिर ऐसा।
तो भगवान स्रोत हैं सारे बल के। तो ये जो बल हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के अंदर दिखाई पड़ रहा है और फौलादी जो शक्ति में दिखाई पड़ रहा है, ये वास्तव में भगवान का है। तो ये भगवान से आया हुआ है और इसे भगवान का सेवा करना। पर यहाँ भागवत में ये वर्णन आता है कि ता आदि दैतो सहसा यजमान आत्मा पौरुषो। फिर एकदम से उनका शरीर जो है औलादी था, पर्वत जैसे काया उनको पर्वत प्राप्त हुआ, पर ये तो जो थे अपने शरीर से सेवा नहीं की। इनका जीवन का लक्ष्य था कि हम खूब खूब जो है शारीरिक भोग करें, यह आसुरी प्रवृत्ति। यह आसुरी प्रवृत्ति केवल इन दोनों में पाया नहीं गया था। यह आसुरी प्रवृत्ति इस भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं उनमें पाया जाता है। एक दृष्टि से संसार में जो भी सुर है वो भी असुर है, असुर तो असुरी है। जिसका मन भगवान में नहीं लगता है, जो भगवान का हित के लिए सेवा नहीं करता, वो असुर है। चाहे वो देवता हो, अगर उनका मन भगवान में नहीं है या थोड़ा भगवान में लगा है, बहुत शरीर में लगा है, तो उतने हद तक वो क्या है, असुर है। जिस हद तक हमारा मन भोग में लगता है उस हद तक हम असुर हैं। ये संसार में हम हैं, क्यों हैं? क्योंकि हमारा मन भगवान में नहीं लगता। भगवान को छोड़ के संसार में हमारा मन सब जगह पर लगता है। एक बार एक व्यक्ति मेले में गया था, उस मेले में बहुत कुछ था। तो उस मेले में एक व्यापारी एक बोतल रखा था, तो देखा कि ये बोतल में अचार है। तो देखा नहीं, ये बोतल में जो है अचार नहीं, इस बोतल में है जिन। आपने सुना होगा अलादीन और चिराग, उस चिराग से क्या निकलता है, जिन। और जिन कैसे होते हैं पता है क्या? उसको कोई काम दो, घंटों का काम मिनटों में नहीं सेकंडों में कर देते थे, फट करके करते थे एकदम से जिन। तो वह सेठ जी ने कहा कि ये बोतल में क्या है, बोला जिन घंटों का काम मिनटों में कर देता है। तो फिर वो खुश हो गया, इसका कीमत क्या है? तो बोला कि इसका कीमत केवल 1000 रुपया, 1000 यानी कि बहुत कम। तो बहुत खुश हो गया। तो बोला ये लोग ले क्यों नहीं जा रहे? बोला कि शर्त यह है, अगर ये जिन को सेवा दिया गया और सेवा करके आएगा और दूसरा सेवा तुरंत अगर नहीं दिया जाएगा तो जो सेवा कर देने वाला है उसी को मार देगा। तो सब डर गए कि कितना सेवा देंगे, कितना सेवा देंगे, कितना सेवा देंगे। तो इसमें ये जो था बहुत चतुर आदमी था, बोला मेरा तो बहुत बड़ा कंपनी है, ये काम करो वो काम करो। तो जिन खरीद लिया, पर काम करते करते वो तुरंत आता था, बोला सैल्यूट, दूसरा सेवा दो, तीसरा सेवा दो, चौथा सेवा दो। ये डर गया। अब उसके घर में एक संत हमेशा आया करता था, महात्मा। तो महात्मा जब आया तो देखा ये सेठ के इतना डरा हुआ, बोला कि ये जिन को मैं जो सेवा देता हूँ, जो सालों सालों लग जाता है वो मिनटों में करके आ जाता है, अब मैं क्या करूँ? तब संत ने कहा चुटकी बजा, बोला ये तो आसान है, ये जो आपके घर में क्या बोलते लैडर है चढ़ने वाला, हाँ सीढ़ी सीढ़ी, ये जो सीढ़ी है वो गोल वाला सीढ़ी नहीं, ऊपर चढ़ने वाला सीढ़ी, जब आपके पास कोई सेवा नहीं होगा तो ये जिनको बोलो आए हो तो ये सीढ़ी चढ़ो और सीढ़ी उतरो, सीढ़ी चढ़ो और सीढ़ी उतरो, सीढ़ी चढ़ो और सीढ़ी उतरो। और जब आपके मन में आ गया सेवा तो बोलो इधर आओ, अब वो सेवा करके आओ, और वो सेवा करके जैसे ही आएगा तो फिर से कहो सीढ़ी चढ़ो सीढ़ी उतरो सीढ़ी चढ़ो।
तो तुरंत जो है वो जिन वापस आया तो बोला ये जो सीढ़ी है इसके ऊपर चढ़ो, चढ़ के तुरंत नीचे आओ, जब तक मैं नहीं बुलाऊंगा तब तक यही करो। तो जिन वही करता था, फिर उनको लगा कि कुछ करना चाहिए, तब जो है उसको बुलाता था। तो ये जो है एक दृष्टांत है, इससे एक सुंदर शिक्षा हमें मिलता है। ये जो जिन है वास्तव में हमारा मन है, ये जिन जो है हमारा मन है, और ये मन बड़ा चंचल रहता है। तो इसीलिए इस मन को क्या करना है, हमारे मन को जो है हमारे महामंत्र में लगा देना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। जब कुछ काम होगा तो सेवा होगा, उस सेवा में अपने मन को लगा देना चाहिए। सेवा जैसे पूरा हो गया, मान लो कि सेवा करना है मंदिर का मार्जन, वो मार्जन करके पूरा हो गया, अच्छी तरह से मार्जन करना चाहिए, मन लगा के सेवा करना चाहिए। पर सेवा हो गया फिर मन खाली हो जाएगा, तो तुरंत क्या करना चाहिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण महामंत्र में मन को लगा देना चाहिए। फिर वापस कोई सेवा आ गया कुकिंग करने का तो कुकिंग करने, फिर बाद में कोई सेवा आ गया तो उसमें लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो हम सेठ जी जैसा बड़े शांत रहेंगे, अगर नहीं तो वो मन हमें जिनके जैसे बर्बाद कर देगा। तो ये जो है बड़ा महत्वपूर्ण बात हम सबको पता होना चाहिए। वास्तव में ये मन ही हमें असुर बनाता है, और ये मन अगर भगवान में लग जाता है तो हमें सुर बना देता है। तो ये हिरण्याक्ष और हिरण्याक्ष को बड़ा भयंकर फौलादी शरीर तो ले लिया है, पर ये फौलादी शरीर से इनको चाहिए कि भगवान का सेवा करें। पर क्योंकि ये जो दैत्य है ये दोनों भगवान के द्वारा श्रापित हैं, तो ये लोग एक अधा निभा रहे हैं कि यहाँ पर भौतिक जगत में भगवान से तीन जन्म तक वैर कर रहे हैं। और कैसे भगवान से लड़ाई कर रहे हैं, तो कहते हैं वो भगवान से इतने रूठ गए हैं कि भगवान का कभी स्मरण ही नहीं किया, भगवान से कभी प्रेम ही नहीं किया। तो ये है सुर और असुर। हमें चाहिए हम मन भगवान में लगाएं। भगवान में मन लगाने का अर्थ होता है आध्यात्मिक जीवन को गंभीरता से लेना और भौतिक जीवन को ज़्यादा मान्य नहीं देना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। संसार के लोग भौतिक जीवन को बहुत महत्व देते हैं और आध्यात्मिक जीवन को हल्का फुल्का लेते हैं। ठीक उल्टा होना चाहिए, हमें आध्यात्मिक जीवन को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और भौतिक जीवन को बहुत हल्का फुल्का। रोज मंगल आरती समय से आना चाहिए, जपा बड़ा ध्यान पूर्वक करना चाहिए, भक्तों के साथ प्रेम पूर्वक सेवा करना चाहिए। प्रभुपाद जी के ग्रंथ बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए, इसे गंभीरता से लेना चाहिए। पर हम लोग ठीक उल्टा करते हैं, संसार के भौतिक जीवन को गंभीरता से लेते हैं। इसने ऐसा कहा मुझसे, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं या मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, उसकी हिम्मत कैसे हो गई ऐसे कहने का। हम संसार में लोग हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं उसे गंभीरता से लेते हैं, हमारा मन उसी में अटक जाता है। उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसे मेरे साथ क्यों किया, इसी में हमारा मन रहता है। संसार में भौतिक दृष्टि से भी बहुत अच्छे अच्छे चीज़ हैं, पर नहीं इसने ऐसा क्यों कहा, इतने जोर से चिल्लाया क्यों, क्या उसे पता नहीं मैं कौन हूं। क्या उसे पता नहीं मैं भगवान का दास हूं, मैं बहुत ही विनम्र हूं, ये सब पता नहीं उसको, ऐसा डाटा क्यों। तो बहुत हम संसार की बातों को गंभीरता से लेते। प्रहलाद महाराज को सातवें स्कंध में वर्णन आता है किस प्रकार से संत और अमर उनको डांटे, उनको कहा ये कुल द्रोही है सबके सामने। ये प्रहलाद
वंश का नाश करने वाला है। अगर ये बात कोई और क्षत्रिय सुनता तो उनको क्रोध आ जाता, इसने ऐसा कहा क्यों। जैसे ध्रुव महाराज, उनके सौतेली माँ ने कहा आप मेरे कोख से जन्म लो तब तक के इनके गोद में बैठ सकते हो, इनके जान में बैठ सकते हो, तो उनको कितना क्रोध आया था, मैं छोड़ूंगा नहीं। ध्रुव महाराज को इतना फटकारा, पर ध्रुव महाराज इन बातों को गंभीरता से लिया नहीं। उन्होंने क्या गंभीरता से लिया, भगवान का स्मरण, भगवान के विषय में, भक्ति में, आध्यात्मिक जीवन में जो जो बातें नारद मुनि ने माँ के गर्भ में उनको सुनाया, उन बातों को उन्होंने गंभीरता से लिया था। पर हम लोग ठीक उल्टा करते हैं, गुरु ने जो कहा है उन बातों को भूल जाते हैं, इसने ऐसा क्यों कहा, क्रोधित हो जाते हैं। हम भौतिक चीजों को बड़े गंभीरता से लेते हैं, अरे वो रिश्तेदार है, वो थोड़ी ना आपका गुरु है, अरे वो आपके पड़ोसी हैं, अगर बोल भी दिया तो ठीक है, भूल जाओ, इस काम से सुनो उस काम से निकाल दो, हमें करना क्या है। भगवान का नाम का जप बड़े गंभीरता से करना है, भक्ति करना है गंभीरता से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, नहीं उसने ऐसा क्यों कहा। अरे हम मन उनके बातों को दे देते हैं, उसने ऐसा क्यों कहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसी में हमारा मन लग जाता है, प्राय सबका मन इसी में लग जाता है। जितना हमारा मन भगवान से दूर होता है उतने हम असुर होते हैं, इसीलिए भगवान कहते हैं भौतिक चीज़ों में मन मत लगाओ, मैं तो पछता ही नहीं, मन मना भव मत लगाओ, मन मुझे दो। और बुद्धि संसार में चलो ठीक है, बोल दिया, पर जीव है, गलती होता है, माफ़ कर दो, आगे बढ़ना है हमें। पर नहीं, मन उसने ऐसा क्यों किया, भक्त होकर भी हम लोग ये भक्त बनने का प्रयास करें, भक्त उसने ऐसा क्यों किया, तो मन इसमें अटक जाता है। जितना मन गलत चीज़ों में अटकता है वही असुर है। असुर तो यहाँ पे ये दो असुर से बहुत सारे असुर निकलते हैं, बहुत सारे असुर निकलते हैं, और असुरों में सबसे बड़े असुर हिरण्यकश्यपु, इनसे भी बढ़कर एक और असुर आया था, उनका नाम था सहस्र कवच। सूर्य का उपासना करके उन्होंने वरदान प्राप्त किया कि मुझे सहस्र कवच चाहिए। तो मृत्यु कब होगा, तो बोला ये सहस्र कवच मेरा टूट जाएगा तब मेरा मृत्यु होगा, ऐसा वरदान को पूरा तथास्तु उत्पात मचा दिया पूरे ब्रह्मांड में। सारे देवता गए किसके पास, विष्णु के पास, तो विष्णु ने क्या कोई बात नहीं, तो भगवान मूर्ति और कश्यप मुनि के नहीं कर्दम मुनि के चौथे स्कंध में वर्णन आता है कि वह नर नारायण के रूप में वे जन्म लेते हैं और वो तपस्या करते हैं, और इनके तपस्या हजार साल का जब हुआ तो नारायण गए हजार, तो सहस्र कवच का शर्त क्या था, वो व्यक्ति मुझे मारेगा जो हजार साल तपस्या करता है, ठीक है, जो हजार साल तपस्या करता है वही मुझे मार सकता है। अच्छा, जो मुझे मारेगा वो तुरंत मरेगा, जो कवच छोड़ेगा वो तुरंत मरेगा, ये दूसरी बात। और तीसरी, आखिरी कवच जब टूटेगा तब मैं मरूंगा, तो ये था उनका तीन। तो नारायण, नर नारायण ने कहाँ पे तपस्या किया, बद्रीनाथ में, केदारनाथ बद्रीनाथ में, और हजार साल का तपस्या के बाद नारायण आया, युद्ध किया, उनका एक कवच मर, और के बाद नारायण, पर नारायण जब
मूर्छित हो गए तो नर जो था वो कान में एक मंत्र बोलते हैं जिससे कि नारायण जागृत हो जाता है, और नारायण जागृत होकर फिर से हजार साल का तपस्या करते हैं। तब तक नर जो था वो हजार साल का क्या कर दिया था, तपस्या किया, तो वो लड़ने लग जाता है, दूसरा कवच टूट जाता है। पर नर बेहोश होके मर जाते हैं, तब हजार साल तपस्या किए हुए नारायण आते हैं कान में मंत्र बोलते हैं, तो नर जाकर फिर से जीवित हो जाते हैं, वो तपस्या करने में लग जाते हैं नारायण युद्ध करने में। ऐसे करते 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 999 कवच टूट गए। अब सहस्र कवच के एक कवच रह गया, और वो भयभीत होकर सूर्य देव के पास गया, और सूर्य देव ने कहा कोई बात नहीं, आपको मैं गायब कर देता हूँ। और वो कुंती के पुत्र बनकर आया और उनका नाम पड़ा कर्ण। इतना बड़ा असुर था काशी पर से, वो असुर क्यों था, क्योंकि उनका मन भगवान में नहीं था। अब कर्ण को कौन मार सकता है, नर मार सकता है, और वही नर अर्जुन बनकर, और नारायण कौन है, कृष्ण। इसलिए उस युद्ध के पहले इंद्र आते हैं और उनसे कहते हैं कि आप मुझे कवच दे दो, कुंडल दे दो, और जैसे वो कवच निकल गया तो अर्जुन ने उसे ठक करके मारा, हो गया खत्म सहस्र कवच। असुर बहुत ही उत्पात मचाते हैं, जिसका मन भगवान में नहीं लगता है वो उत्पात मचा देता है। इल्वा और बतापी नाम के दो असुर थे, इनका एक ही प्रोग्राम था, जितने भी संत लोग घूमते हैं उनको दावत में बुलाओ और उनको मार दो। कैसे मारते थे, उनको ब्राह्मण भोज में बुलाते थे, ब्राह्मण भोज में बुलाते थे, और इल्वा क्या करते थे, कुकिंग करते थे, और वातपी जो था उसको रगड़ के कुकिंग में डाल देता था, और ब्राह्मण लोग जब भोजन करते थे स्वादिष्ट तो वो कहता था वातपी आगच्छतु, यानी कि वातपी आ जाओ, तो वातपी किधर गया है, वो असुर पेट के अंदर गया, वो पेट फाड़ के आ जाता था, और जितने लोग ने खाया था वो लोग संत लोग मर गए, ऋषि लोग मरते जा रहे हैं, और ऋषि का फिर असुर थे तो ऋषि का चर्बी खाते थे, मतलब बहुत सॉफ्ट है, बहुत टेस्टी है, ये लोग जो है वो उबाला हुआ भी नहीं, एकदम फल फूल खाते तो एकदम सॉफ्ट है इनका, तो ऋषि मुनि का टेस्ट लग गया उनको। अब बहुत बड़ा लंबा कहानी है, फिर अगस्त मुनि को पता लग गया कि ये इल्वा और वातपी जो है ऐसा ऐसा करता है, तो अगस्त मुनि जो है वो एक दिन जंगल से जा रहा, बोला संत महात्मा आइए दर्शन दीजिए, आपका चरण हमारे आश्रम में पड़ेगा, घर पे पड़ेगा, घर धन्य हो जाएगा, आप जैसे संत भ्रमण करते हैं सबका भला करने को, तो हमारा भी भला करो, आप लोग भ्रमण करते हैं अपने हित के लिए नहीं, औरों के गृहस्थ हम जैसे गृहस्थ ग्रहणियों के हित के लिए आइए आइए। उनका पाद प्रक्षालन किए, आसन दिए, फिर वातपी को भोजन, वातपी को काट पीट के भोजन में लगा दिया, और इल्वा ने किसको खिलाया, अगस्त मुनि को किया, फिर कहा कि खाओ, और जैसे अगस्त मुनि ने प्रसाद ये खा लिया और तुरंत उनको पता लग गया कि ये इनका चाल है, तो उन्होंने पहले ही बोलता वातपी जीर्णम तू, यानी कि वातपी जल्दी जीर्ण हो जाओ, तो वातपी जीर्ण हो गया। फिर ये चिल्लाने लगा इल्वा वातपी आगच्छतु, वातपी वातपी आगच्छतु, वातपी आ नहीं रहा था। तब अगस्त्य मुनि ने कहा मुझे मालूम है आप लोग का क्या योजना है, ये वातपी आगच्छतु नहीं होगा, वातपी गच्छतु हो गया, वातपी जीर्ण हो गया और मलमूत्र से निकलेगा और वो खत्म। फिर इल्वा को एक झापड़ मारा, इल्वा भी खत्म। तो यह असुर, ये असुर लोग उत्पात मचाते रहते हैं। मनुष्य शरीर खास करके प्रभुपाद जी लिखते हैं दो प्रकार के होते हैं, असुर और सुर। जिसका मन भगवान में नहीं लगता है वो असुर लगता है। ये मनुष्य शरीर एक
यंत्र जैसा है, उड़ान जैसा है, हवाई जहाज जैसे ऊंचा ऊंचा जाता है, तो ये संसार के चीज छोटे 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 लगने लग जाते हैं और एकदम ऊंचा जाते हैं, संसार के चीज दिखते भी नहीं है। इसी प्रकार से मनुष्य शरीर से हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके हमें चेतना को उन्नत करना चाहिए। मान लो एक हवाई जहाज निकला और मेरा रोड की सड़कों में घूमने लगा, उत्पात हो जाएगा, फुटपाथ में जितने भी दुकानें वो टूट जाएगा, जितने भी घर है वो सब टूट फूट के खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट वाले आएंगे, अरे भाई साहब ये एरोप्लेन लेके घूम क्या रहे, बोलते हैं एरोप्लेन लेके मैं जाओ आलू लेना। अरे आलू लेने के लिए एरोप्लेन थोड़ी होता है, कम नीचे ले मोटरसाइकिल, साइकिल ले जाओ। आलू लेने के लिए थोड़ी ना ये एरोप्लेन दिया गया है, आलू लेने के लिए आपको ये एरोप्लेन दिया है ऊंचा उड़ाई के लिए। तो फिर ये मनुष्य शरीर लेकर अगर हम भगवान का भक्ति नहीं करेंगे तो उत्पात मचाएंगे। बताइए आप सब सोच के बताइए, आज हवा को प्रदूषित किसने किया, पानी को प्रदूषित किसने किया, भूमि को प्रदूषित किसने किया? हाथी ने, गेंडा ने? हाथी का पीकर इतना पानी पिया और पेशाब किया तो पानी प्रदूषित हो गया, या गेंडा ने इतना खाया और नीचे मल को त्यागा तो भूमि अपवित्र हो गया? हवा को किसने प्रदूषित किया? वो हाथी हवा छोड़ दिया तो पूरा प्रदूषित हो गया? किसने प्रदूषित किया? ये मनुष्य शरीर लेकर अगर हम भगवान का भक्ति नहीं करेंगे तो उत्पात मचेगा। बताइए किसने हवा को प्रदूषित किया? वृक्षों ने, पंछियों ने, कीट, कीड़ा या जानवर ने? किसने भूमि को प्रदूषित किया? ये बिस्लरी वगैरह कौन पीते हैं? हम लोग पी रहे हैं। क्यों? पानी को किसने प्रदूषित किया? ये हवा इतना दूषित कैसे हुआ? क्या हाथी ने हवा छोड़ा? ये मनुष्य शरीर लेकर अगर हम कृष्ण भक्ति हरे कृष्ण महामंत्र जप करके चेतना का उन्नति नहीं करेंगे, उड़ान नहीं लेंगे, तो अहम इंद्रा मैथुन करते करते उत्पात मचाएंगे। उत्पात, अरे एरोप्लेन दिया है ऊपर उड़ने के लिए, थोड़ी ना आलू खरीदने के लिए। अरे मनुष्य शरीर दिया है अहम इंद्रा मैथुन करने के लिए नहीं, किसके लिए? भगवान का भक्ति करने के लिए। इतना सुंदर फौलादी शरीर मिला है भगवान का भक्ति करने के लिए, ना कि भोग करने के लिए। और ये भक्ति मनुष्य शरीर में हो सकता है, और जितना हम भगवान में अपने मन को लगाएंगे उतना हम सुन, और जितना हम भगवान से अलग अपना मन को लगाएंगे उतना हम असुर। तो हमें सुर होना चाहिए। भागवत हमें ये शिक्षा देता है कि सुर कौन है और असुर कौन है। और हम अगर मनुष्य है तो हमें मन भगवान में लगाकर हमें सुर होना है। ये भागवत आज प्रकाशित कर रहा है और इस शिक्षा को हमें जीवन में उतार कर अपने जीवन को धन्य करना है। गुरु की आज्ञा को पालन करके उनके अनुगत होकर हमें सेवा करना है मन लगाकर, तब जाके हम सुर हैं। अगर हम स्वतंत्र होना चाहते हैं तो हम असुर हैं। तो ये भागवत आज हमें शिक्षा दे रहा है, अर्थात भागवत से ये शिक्षा हमें लेना चाहिए कि हम अनुगत रहेंगे, प्रामाणिक गुरु और भक्तों के अनुगत रहकर सेवा में मन लगाकर अपने जीवन को धन्य करेंगे। और ये जो दो है असुर, उनके जैसे हम स्वतंत्र नहीं रहना चाहेंगे या भोग में नहीं लगेंगे। तो यह है भागवत जो कि कलयुग के लोगों को यह दृष्टि दे रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये भागवत से शिक्षा लेके अपने जीवन को धन्य करें। हरे कृष्ण।